अच्छा बारहवीं की अर्थशास्त्री क्लास में आपका बहुत स्वागत है बेटा। अपना कोर्स पूरा हो गया है बेटा। अब अपन को छोटे छोटे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से छोटे छोटे प्रश्नों का अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले एक नंबर के प्रश्न देखेंगे बेटा। तो ये बुक के अंतर्गत बेटा ये क्वेश्चन है, दीर्घ काल में एक वस्तु की पूर्ति होती है, ये सही विकल्प है बेटा। एक नंबर के प्रश्न ये परीक्षा की दृष्टि से, दीर्घ काल में एक वस्तु की पूर्ति होती है कैसे? पूर्णता लोज बेरोजगार, कम लोजदार, अधिक लोजदार और पूर्णता लोजदार। तो जो दीर्घ काल मतलब लंबे समय के लिए, तो इसमें जो आएगा ये अधिक लोजदार, जो लंबे समय तक प्रक्रिया चलती है उसे अधिक लोजदार। निम्न में से कौन में से किससे जुड़ी होती है? ऑप्शन से इसके बेटा किसी समय अवधि में, कीमत में और ये दोनों में या इनमें से कोई नहीं। जो जो पूर्ति होती है निम्न में से किससे जुड़ी होती है? जो पूर्ति है वह समय अवधि से भी और कीमत से भी, ये दोनों चीजों से क्या होती है? जुड़ी होती है। तो इसका सही आंसर होगा दोनों। दोनों मतलब ए वाला और बी वाला ऑप्शन, दोनों पूर्ति जो होती है वह समय और अवधि और कीमत से दोनों से क्या होती है? जुड़ी होती है। अन्य बातें समान रहने पर कीमत में कमी से पूर्ति कम होने पर उसे कहते हैं, मतलब जो कीमत में कमी और पूर्ति कम होने पर उसे कहते हैं। तो उसके ऑप्शन है पूर्ति का विस्तार, पूर्ति का संकुचन, सी है पूर्ति में वृद्धि और डी है पूर्ति में कमी। तो पूर्ति का संकुचन, अन्य बातें समान रहे कीमत में कमी से पूर्ति कम होने पर उसे कहते हैं पूर्ति का संकुचन, क्या कहते हैं? पूर्ति का संकुचन। फिर कीमत परिवर्तन में पूर्ति की मात्रा को प्रतिक्रियात्मक संबंध को कहते हैं, मांग की लोच, मांग में वृद्धि और पूर्ति में वृद्धि या पूर्ति की लोच। तो कीमत में परिवर्तन होगा तो पूर्ति की मात्रा में भी क्या होगी? प्रतिक्रियात्मक संबंध को, मतलब जो पूर्ति की मात्रा का प्रतिक्रियात्मक संबंध होता है उसे कहते हैं पूर्ति की लोच, क्या कहते हैं उसे? पूर्ति की लोच कहते हैं। फिर टिकाऊ वस्तुओं की पूर्ति साधारणतः होती है, जो वस्तुएं टिकाऊ होती है उनकी पूर्ति साधारणतः कैसी होती है? अधिकतम लोचदार होती है, कम लोचदार होती है, पूर्णता लोजदार होती है या पूर्णता लोजदार बेरोजदार होती है। जो टिकाऊ वस्तु होती है पूर्ति कैसी होती है? साधारणतः अधिक लोजदार होती है। तो इसका सही आंसर है अधिक लोजदार। तो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से छोटे छोटे प्रश्न बने वो आपको याद रखने हैं। फिर पूर्ति वक्र एस अक्ष के समानांतर होता है, तो पूर्ति की लोच होती है, पूर्ति अक्ष होता है वह समानांतर होता है। तो कैसा होता है? शून्य होता है, अनंत होता है, इकाई होती है इसकी या ये ऋणात्मक होते हैं। तो जो अपन पूर्ति वक्र बनाते हैं तो मतलब जो एक्स अक्ष के समानांतर होता है वह कैसा होता है? अनंत होता है। तो इसका आंसर होगा अनंत। क्या होगा ये? इसका आंसर अनंत होगा। पूर्ति वक्र दाई ओर खिसकता है, तो पूर्ति वक्र जो होता है दाई ओर खिसकता है। तो इसका कारक पूर्ति में कमी के कारण, बाजार में फर्म के कारण या उच्च व्यवसायिक आशंकाओं के कारण, या इसका पूर्ति की लोच को एक से कम करने के लिए। तो इसका सही आंसर है डी, पूर्ति की लोच को एक से कम है। एक्स अक्ष के आरंभ होते हुए ऊपर की ओर ढलान वाला सरल रेखा की पूर्ति वक्र दर्शाता है। तो फिर है निम्न में से कौन सी पूर्ति का एक आवश्यक तत्व है? निम्न में से कौन सा पूर्ति का आवश्यक तत्व है? तो वस्तु की कीमत, समय,
तत्व है। तो वस्तु की कीमत, दूसरा हो गया समयावधि और खरीदने की तत्परता और वस्तु की मात्रा। तो इसका सही आंसर है बेटा वस्तु खरीदने की तत्परता। फिर है बेटा पूर्ति वक्र दाएं ओर खिसक सकता है। तो इसके ऑप्शंस है कारक कीमत में कमी के कारण, बाजार में फर्मों की वृद्धि के कारण और उच्च व्यवसायिक आशंकाओं के कारण या फिर उपयुक्त सभी। तो पूर्ति वक्र दाईं ओर कारक है कीमत के कारण, कमी के कारण भी होता है, बाजार में फर्मों में वृद्धि के कारण भी होता है और उच्च व्यवसायिक आशंकाओं के कारण भी होता है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। फिर है वे सभी पूर्ति वक्र जो मूल बिंदु से होकर गुजरते हैं। तो वे सभी पूर्ति वक्र जो मूल बिंदु से होकर गुजरते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उच्च लोचदार होते हैं। इनकी इकाई भी कैसी होती है? लोचदार होती है। ये पूर्णता बेरोजदार होते हैं या फिर कम कीमत के कम मतलब लोचदार होते हैं। तो इसकी इकाई कैसी होती है? इसका सही ऑप्शन है वे सभी पूर्ति वक्र जो मूल बिंदु से होकर गुजरते हैं, क्योंकि इकाई कैसी होती है इसकी? इकाई इसकी होती है लोचदार। तो लोचदार इकाई होती है। आपके परीक्षा की दृष्टि से एक एक नंबर के प्रश्न है, इनको आप अच्छे से पढ़ो और याद करो। फिर है इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करने के लिए, तो खाली स्थान की स्थिति में उसी कीमत पर पूर्ति गिर जाती है। तो पूर्ति की कमी, जब पूर्ति की कमी यहाँ पर जो पूर्ति की कमी, जब पूर्ति की कमी होती है तो उस स्थिति में वस्तु बता उस वस्तु की कीमत कैसी हो जाती है? गिर जाती है। फिर खाली स्थान की स्थिति में, खाली स्थान की स्थिति में पूर्ति वक्र वाय अक्ष के समानांतर एक उपवृत्त सरल रेखा होती है। तो उस सरल रेखा को क्या कहते हैं? पूर्णता बेरोजगार। क्या होता है? वह पूर्णता बेरोजगार होता है। इसका पूर्णता बेरोजगार की स्थिति में बेरोजगार की स्थिति में पूर्ति वक्र y एक्स के समानांतर एक उज्ज्वल संरेखा पे होता है। पूर्ति की लोच पूर्णता, पूर्ति की लोच पूर्णता बेरोजगार कहलाती है, क्योंकि कैसी होती है ये? जब कीमत में परिवर्तन की पूर्ति होती है तो उसे कहते हैं अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय होती है। फिर कम लोचदार पूंजी की स्थिति में पूर्णता वक्र धनात्मक एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर क्या बनाते हैं? अंत अखंड बनता है। क्या बनता है? अंत अखंड। कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप जिस दर में वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन होता है उसी पूर्ति को खाली स्थान कहते हैं। तो कीमत में जब परिवर्तन के फलस्वरूप जिस दर पर वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन होता है उसे पूर्ति की लोच कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूर्ति की लोच, पूर्ति की लोच कहते हैं। बाजार में एक व्यक्ति फर्म की पूर्ति वक्र का ग्राफ प्रस्तुतिकरण खाली स्थान पूर्ति कहलाता है। तो जो बाजार होता है, बाजार में व्यक्तिगत फर्म की पूर्ति होती है, उसकी जो ग्राफिंग होती है वो क्या होती है? जो प्रस्तुतिकरण होती है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत पूर्ति, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र कहलाता है। कीमत में वृद्धि के कारण पूर्ति की गई मात्रा में वृद्धि को पूर्ति का खाली स्थान कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? विस्तार।
पूर्ति की मात्रा में वृद्धि, पूर्ति का विस्तार कहते हैं। फिर प्रतिकारी दर रखने से जो पूंजी वक्र, बाएं का जो पूंजी वक्र होता है वह पूर्ति वक्र होता है, वह किस ओर खिसकता है? बाईं ओर खिसकता है। तो खाली पूर्ति इकाई में दर में लगने से पूर्ति वक्र खाली स्थान की ओर खिसकता है, तो स्थान आंसर होगा बेटा रिक्त स्थान भरने के लिए बाईं ओर खिसकता है। फिर वस्तु की कीमत खाली स्थान में परिवर्तन के कारण किस वस्तु में वक्र का संचालन होता है? जो वस्तु की कीमत होती है, तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण किसी वस्तु की पूर्ति वक्र का संचालन होता है। फिर ये बेटा सत्य असत्य बचाइए, ये परीक्षा की दृष्टि से बेटा सब आपके लिए एक एक नंबर के प्रश्न है, आपको इनको परीक्षा उपयोगी हेतु तैयार करने हैं। तो सबसे पहले है पूर्ति तथा स्टॉक में अंतर होता है, तो पूर्ति और स्टॉक में अंतर होता है, इसका आंसर है सत्य। तो ये क्या हुआ? इसका आंसर सत्य। पूर्ति सरकार की कर नीति पर निर्भर करती है, जो पूर्ति होती है वह सरकार की कर नीति पर निर्धारित होती है, नहीं ये सत्य है, क्योंकि सरकार पूर्ति नीति निर्धारित नहीं करती। वह संपूर्ण अनुसूची के बाजार के विभिन्न संघों में कीमत पर बिक्री के लिए प्रस्तुत किए गए वस्तु की विभिन्न मात्राओं में प्रस्तुत करती है, उसे बाजार पूर्ति कहलाती है। तो इसका आंसर हो गया सत्य। फिर है पूर्ति के नियम के अनुसार पूर्ति और कीमत के बीच में धनात्मक संबंध होता है, तो ये भी सत्य है। मतलब पूर्ति के नियम के अनुसार पूर्ति और कीमत में क्या होता है? धनात्मक संबंध होता है। फिर पूर्ति वक्र कारक कीमत में कमी के कारण दाईं ओर नहीं खिसकता, जो पूर्ति वक्र होता है वह दाईं ओर, तो भी पूर्ति का वो बाईं ओर खिसकता, तो यह भी क्या हो गया? ये हो गया असत्य। ये इसका ऑप्शन होगा असत्य। प्रकट करता है, जो उत्पादन फलन होता है वह निर्गतों के बीच वित्तीय संबंध को क्या करता है? प्रकट करता है, उसे कहते हैं, इसका आंसर है सत्य। इसका आंसर क्या है? सत्य है। फिर है जब प्रतिस्थापित वस्तु की कीमत कम होती है, जो प्रतिस्थापित वस्तु होती है उनकी वस्तु की कीमत क्या होती है? कम होती है, तो संबंधित वस्तुओं की पूर्ति में भी कमी आ जाती है, नहीं यह असत्य। फिर एक वस्तु को पैदा करने की तकनीकी में सुधार होता है, मतलब जो एक वस्तु है उसको पैदा करने की तकनीकी में क्या होता है? सुधार होता है, तो उसकी पूर्ति में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। हाँ, इसका आंसर होगा सत्य। आंसर है सत्य, क्योंकि जब किसी वस्तु में तकनीकी सुधार होता है तो उस वस्तु की पूर्ति में क्या होती है? वृद्धि होती है। बेटा ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए छोटे छोटे प्रश्न है, एक नंबर के प्रश्न है, आप इनको देखोगे किताब के अनुसार याद करोगे और इनको पढ़ोगे। धन्यवाद बच्चों।